ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने शत्रु को उनकी समस्याओं के साथ एक कांच की बोतल में कैद करके आप रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने मित्रों, एक आपका शत्रु है और वह अपनी जीवन शैली बहुत खुशहाल तरीके से जी रहा है और आप नहीं चाहते कि वह और खुश रह सके। तो किस प्रकार से आप उसकी जीवन शैली को बर्बाद करके, उसकी खुशियों को बर्बाद करके, उसको समस्याएं देकर अपने घर में एक कांच की बोतल में कैद करके रख सकते हैं। तो मित्रों, इस टोटके को जानने के लिए यह जान लीजिए कि आप इसको बिना वजह किसी के ऊपर भी ना करें। जब आपको जरूरत लगे कि अब इस उपाय को, अब इस टोटके को करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से आप अपने शत्रु से परेशान हो चुके हैं और जो वो जुल्म आपके ऊपर कर रहा है वह हद से ज़्यादा हो चुके हैं, तभी आप इस उपाय, इस टोटके को जरूर करिए। तो मित्रों, इस टोटके को करने के लिए जो जो सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है वह सामग्री आप देख लीजिए, क्या क्या सामग्री आपको इसमें लगने वाली है। सामग्री जानने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ना ही इसमें कोई आपको आसन लेना है, ना ही कोई माला लेनी है, ना ही किसी मंत्र का जाप करना है और ना ही आपको अपने घर से बाहर जाना है। ध्यान रखिए, यह उपाय आपके घर में ही होने वाला है। आपने किसी भी प्रकार की कोई भी चीज बाहर जाकर नहीं करनी, ना ही आपने कोई मंत्र जाप करना है, ना ही आपने कोई आसन लेना है, ना ही किसी गुरु की सहायता की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो यह टोटका बताने से पहले मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहे। और कमेंट में जय श्री काल भैरव बोलना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका यही कमेंट हमें यह जतलाता है कि आपकी हाजिरी हमारे तक अवश्य पहुंची है। तो मित्रों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपने यह उपाय कब करना है, कैसे करना है। यह उपाय करने का दिन है अमावस की रात्रि या फिर काल रात्रि या ग्रहण काल का समय, होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, इन प्रचंड मुहूर्तों में आपने इस टोटके को अंजाम देना है। इस टोटके को करने के लिए आपके पास एक शत्रु की फोटो होनी चाहिए, जिस प्रकार से यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इतनी छोटी भी चलेगी, इससे बड़ी भी चलेगी, कोई भी हो, पर साफ फोटो आपके पास आपके शत्रु की होनी चाहिए। इस शत्रु की फोटो के पीछे एक काली स्याही से अक्षर लिखने हैं। यह अक्षर उस यंत्र के हैं जो आपके शत्रु को उसकी परेशानियों में अच्छी तरह डुबा देंगे। और यह जो यंत्र आपने लिखना है, यह लिखना है उल्लू के पंख से। ध्यान रखें कि इस यंत्र को लिखने के लिए आपके पास एक सिद्ध उल्लू का पंख होना आवश्यक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे द्वारा भी मंगवा सकते हैं। अगर आप हमारे द्वारा नहीं लेना चाहते, आपको कहीं से मिल चुका है, तो उसको सिद्ध कैसे किया जाता है यह भी हमने एक वीडियो में बताया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि उल्लू के पंख को सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है। उल्लू का पंख आपके पास सिद्ध होना चाहिए, अभिमंत्रित होना चाहिए। उस उल्लू के पंख को काली स्याही में डुबोकर यह अक्षर आपने लिखने हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। यह अक्षर लिखने के बाद यह कार्य आपने करना है रात्रि 10 बजे के बाद, अगर आप अमावस पे कर रहे हैं। यह अक्षर लिखने के बाद एक कांच की छोटी सी शीशी, कोई भी बोतल ले लीजिए। ध्यान रखें, कोई प्लास्टिक, कोई ऐसी वैसी मत लीजिए, कांच की लीजिए। कांच की कोई भी शीशी, कोई भी बोतल ले लो, उसको काले कपड़े से ढक दो। उसके बाद उस बोतल के अंदर आपने कोई भी खटास भरा लिक्विड डालना है, चाहे आप नींबू का रस से उस बोतल को भर लीजिए या फिर सिरका जो आता है, सिरके से उस बोतल को भर दीजिए। यह कार्य आपने करना है। उसके बाद उस फोटो को इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, फोटो के पीछे आपने यंत्र बनाया था, और उस फोटो को शत्रु की बर्बादी की कामना करते हुए उस सिरके की बोतल में या फिर नींबू के रस अगर आपने बोतल में डाला है तो उसमें डुबो दीजिए। यह डुबोने के बाद ऊपर से भी आपने काला कपड़ा मार देना है और उसको अच्छे से बंद कर देना है, और उसको किसी ऐसे स्थान पर घर में रख देना है जहां पर किसी की नजर ना पड़े, कम से कम 40 दिन तक। आप खुद देखेंगे, दिन प्रतिदिन
किस प्रकार से एक अजीब ही समस्या में आपका शत्रु डलने लगेगा। उसके कार्य जो बनते रहते थे वह बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और कुछ आपको इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। 40 दिन के बाद ले जाकर आप चाहे इसको बाहर फेंक दीजिए, चाहे आप मिट्टी में दबाकर रख दीजिए। आपका शत्रु इन 40 दिनों में ऐसी समस्याओं में फंस चुका होगा कि अगले 40 साल तक उस समस्याओं से निकलने का उसको कोई मार्ग मिलने नहीं वाला। मित्रों, और मैं बार बार आपसे यह गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि अब इस उपाय को करने का समय आ चुका है, अब आपका शत्रु हद कर चुका है, तभी आपने इस उपाय को, इस टोटके को करना है। और कमेंट में जय श्री काल भैरव का जयकारा अवश्य लगाना है। आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से आपका यह छोटा सा टोटका किया गया था और आपका शत्रु अब ऐसे जंजालों में फंस चुका है कि हर तरफ उसको सिर्फ और सिर्फ खटास मिल रही है, हर तरफ उसको सिर्फ और सिर्फ निराशा मिल रही है और जो भी काम उसके बनने वाले होते थे वह सब बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।